करनाल में नगर निगम टैक्स न भरने वालों के खिलाफ सख्त दिख रही है। आपको बता दें कि करनाल के रेलवे रोड स्थित एसडी स्कूल मार्केट की दुकानों पर नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए पहुंची है। इस दौरान दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाकर चेतावनी दी गई कि दो दिन के अंदर या तो ये दुकानदार अपने प्रॉपर्टी टैक्स भर दे, अन्यथा दो दिन बाद इनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि पिछले 11 सालों से इन दुकानों का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा आज इन दुकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए नोटिस चिपकाए गए हैं। साथ ही दुकानदारों को कहा गया कि वह दो दिन के अंदर इन दुकानों का प्रॉपर्टी टैक्स चुकता कर दें, अन्यथा नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं दुकानदारों ने कहा कि एसडी स्कूल प्रबंधक कमेटी द्वारा उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि दुकानदार सिर्फ दुकानों का किराया देंगे और जो भी टैक्स दुकानों पर है उसको स्कूल प्रबंधक कमेटी वहन करेगी, जिसके बारे में पहले ही एग्रीमेंट किया जा चुका है। वहीं नगर निगम की इस कार्यवाही से दुकानदार नाराज दिखाई दिए। दुकानदारों ने कहा कि पहले ही एक साल से कोरोना महामारी के चलते उनकी दुकानों पर कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका था, परंतु अब नगर निगम द्वारा टैक्स के बारे में जो नोटिस चिपकाए गए हैं वह बेहद निंदनीय है, क्योंकि सरकार को दुकानदारों की सहायता करनी चाहिए, ना कि टैक्स देने पर दबाव डालना चाहिए। वही दुकानदारों ने कहा कि अगर नगर निगम के अधिकारी दुकानों को सील करने पहुंचेंगे तो वह पहले ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे, क्योंकि कोरोना काल के समय भी उनकी दुकानें बंद ही रही थी। बताते चले कि इस कार्रवाई से दुकानदारों में रोष देखने को मिला है। सरकार को देखना चाहिए कि स्कूल ने जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स हम जमा करवाएंगे, तो दुकानदार तो अपने समय से किराया भर रहे हैं, तो इनको क्यों नोटिस चिपकाए जा रहे हैं? अगर बंद करना है तो स्कूल को बंद करें। ऐसे आम पब्लिक को हरास करेंगे तो सरकार के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। काम का आम, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आम आदमियों को परेशान ना करके अपने सरकारी अधिकारियों को दुरुस्त करें, और जिन्होंने अरबों करोड़ों खरबों रुपए देने हैं वो लें। अब जैसे गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए और माल्टोन में एक एक आदमी ने 2-2 हजार गज जमीन कब्जा किए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? परसों सील करने आएंगे तो क्या करेंगे? तो हम उससे पहले ही अपनी दुकानें बंद कर देंगे, उनको सील करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी दुकानें बंद होंगी। नहीं काम करके देना कोरोना काल में, जबकि व्यापारियों को रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ देने की बजाय और हमारा रोजगार वैसे ही नहीं है। वैसे कहते हैं हम घर बैठना, हम घर बैठ देंगे, हमें क्या आपत्ति है? तो आप अगर सरकार चाहती है कि हम घर बैठे। क्या नाम है आपका? दिनेश नरूला। ऊपर कोई असर नहीं है। अब जैसे इसी मार्केट लगा लो, 1,53,00,000 टैक्स है, डिबेट करके सिर्फ 69 लाख रुपए भरने वाले, 1,90,00,000 माफ कर दिए सरकार ने, फिर भी टाइम पे जमा नहीं करा। तो किस नाम से मार्केट आई है? ये एसडी स्कूल मार्केट है। तो भरना तो स्कूल सोसाइटी को होगा ना सर? हमने उनको नोटिस दे, प्रिंसिपल को मिल गया, डायरेक्टर को मिल गया, 2 बार नोटिस दे दिया, 3 बार प्रेस मिल गया। कितने साल पुराना टैक्स बकाया? 11 साल से। अब कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 69 लाख अगर 31 मार्च से पहले भरते हैं तो 1,53,00,000। बिल्कुल सर, 24 सितंबर को, 22 अक्टूबर को 2 बार नोटिस दे दिया, पर्सनली मिल भी नहीं, बकायदा रिसीव भी करेंगे, मैनेजमेंट डायरेक्टर से भी से मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई। गलती सर की है लेकिन भुगतनी पूरी मार्केट के दुकानदारों को पड़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि हमें तो रिकवरी है प्रॉपर्टी से। कितना समय दिया आपने? सर हमने 3 दिन का मंडे तक का टाइम दिया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या नाम आपका? गगनदीप। जब पहले लिख कर दिया हुआ है उन्होंने, तो फिर तो कोई चक्कर नहीं होना चाहिए इसमें। आप किराया देते हैं टाइम से स्कूल? किराया गया हुआ हमारा पूरा। तो टैक्स उन्होंने वसूलना है, जमा कराना है या आपने कराना है? उन्होंने जमा कराना है। तो 11 सालों से नहीं कराया? ना, हमने दिया नहीं कोई भी टैक्स, उसमें लिखा हुआ एग्रीमेंट के अंदर। स्कूल के अधिकारियों से बात हुई सर आपकी? हाँ बिल्कुल हुई, हमारे तो कोई बात नहीं हुई टैक्स के बारे में अब तक। तो अब 2 दिन का समय दिया नहीं, तो सारी मार्केट सील करने की बात कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? हम तो पहले बंद कर देंगे दुकान, करते हैं। सीएम साहब से कोई अपील करेंगे? सीएम साहब से ये करेंगे भाई, हमारा मतलब इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल दुख भी स्कूल वाले से बात करो, स्कूल वाले जमा कराएंगे टैक्स को। आप तो समय आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। नरूला जी क्या कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।